पूरा घंटा ही घंटा है, पूरा रायबरेली घंटा हुआ है। रायबरेली घंटा है। अपने काम से छुट्टी मिले जब देखेंगे ना। अच्छा जी। जब अपने काम छुट्टी मिलेगी जब देखेंगे यहाँ के हाल। बिल्कुल दिक्कत होती, मन नहीं मन है। हाँ। तो कांग्रेस क्यों काम नहीं कर रही है? काम बिल्कुल नहीं कर रही, करा तो हाथ तो बन ना जाता है। अभी मोदी जी को देख लो अपना, वो जहाँ इलेक्शन मतलब क्या बोलते हैं बनारस में, अब बनारस का देख लीजिए क्या है, अब यहाँ का देख लीजिए। आज से मतलब इनकी प्रधानमंत्री मतलब पहले थी तो यहाँ पे विकास होना चाहिए, और बाकी इनकी सास भी थी। अरे वो बेवकूफियत वाली हरकत किया करते हैं, जानते हो तो हम कैसे बोला करते हैं कैसे नहीं बोला करते हैं, क्या क्या बोलना चाहिए क्या ना बोलना चाहिए बस वो बोल देते हैं। अब ट्रैक्टर लेके जाने से और साइकिल ले जाने से कोई मतलब थोड़े ना है। पानी में जाते हैं कीचड़ बोदे में, और क्या करें, गड्ढे में गिर जाते हैं, कहीं गाड़ी वाले गिर जाते हैं, कहीं हम लोग खुद ही गिर जाते हैं साइकिल वाले। क्या नाम है भैया आपका? संजय। अच्छा, यहीं से रायबरेली से? हाँ, बगल से। बताइए विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है। अरे सरकार क्या कोई भी नहीं काम करती, सरकार बन जाती तो अपना देखती है, बाकी कुछ नहीं करती। बाकी कुछ नहीं करती? कुछ नहीं करती। अच्छा। अब हम लोग तो अपनी समस्या के, भाई सड़क है बिल्कुल गड्ढा है, आप खुद ही देख लीजिए। अब किससे का इतनी जानकारी हम लोगों को नहीं है कि कहाँ जाना है कहाँ आना है। और शिकायत भी किसी अधिकारी की करो तो अपनी बुराई भी लो। बताइए तो आप लोग खुद देख रहे हैं, गड्ढा सब खुदे हुए हैं, कोई मतलब नहीं आदमी चाहे कुछ भी। अरे विकास कौन है, यही तरह चल रहा है, उतने मध्य में नहीं चल रहा है विकास। विकास कौन नहीं है, कहाँ कौन काम हो रहा है, सब ढीले तो चल रहा है, सब ढीले चल रहा है। तो योगी जी को जिताइएगा? जिताएंगे, उन्हीं को जिताएंगे। जो काम करेगा वो जीतेगा, है ना। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा डिंडोरिया, स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम सोनिया गांधी के गढ़ रायबरेली में हैं। आपको बता दें जैसे जैसे यूपी इलेक्शन करीब आ रहे हैं इलेक्शन, वैसे वैसे ही विपक्ष में भी हलचल मची हुई है। हर कोई कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके यूपी से योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए और अपनी सरकार लाई जाए। तो रायबरेली में हम हैं इस वक्त, बात करेंगे यहाँ के लोगों से, जानेंगे कि सोनिया गांधी के गढ़ में कितना विकास हो रहा है। क्या नाम है? जब्बार। अच्छा ये बताइए रायबरेली में काम कैसा हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा? तो देखिए ना आपके सामने है। हाँ, वही मैं दिखा रही थी अभी कैमरा में, ये इतना बड़ा गड्ढा है, यहाँ अगर पानी भर जाता होगा तो कोई निकल नहीं पाता होगा। कोई नहीं यार। ये नालियाँ हैं इधर भरी रहती है, ऐसी ऐसे ही भरी रहती है। तो मच्छर मक्खी खूब होते होंगे, और क्या हुआ करती है। तो फिर सरकारी अस्पताल में है सुविधा इन सब चीजों की? कोई सुविधा नहीं, जो भी होता है सब लखनऊ जाना पड़ता है। लखनऊ जाना पड़ता जी। है। अच्छा, तो कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है? कांग्रेस का देखिए ये हाल है, कांग्रेस का ये हाल है, एक बार दिखा दो। कह रहे हैं कि कांग्रेस का ये हाल है, यानी कि गड्ढे में चली गई है कांग्रेस, है ना भैया? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताओ अदिति सिंह कितनी बार आती है लोगों की सुनने? आती है लमसम साल दो साल में, कभी निकल जाती है, आती नहीं। निकल जाती है मतलब? निकल जाती है इधर से। तो आप लोगों को सुनती नहीं है? कहा सुनेंगी, सुनेंगे नहीं वो। अरे विधायक है कुछ तो सुने आके? अरे हम भी सभासद हैं यहाँ के। अच्छा अच्छा जी, पार्षद हैं यहाँ के। तो विधायक कुछ तो सुने कि भाई लोगों की थोड़ी तो सुन ले, गड्ढे हैं नालियाँ खराब हैं। अपने काम से छुट्टी मिले जब देखेंगे ना। अच्छा जी। जब अपने काम छुट्टी मिलेगी जब देखेंगे यहाँ के हाल। इसी तरह ये देख रहे हैं आप, अभी बहुत पूरी रोड यहाँ से वहाँ तक पूरी जो है खराब है, पूरा खराब है, यहाँ से पूरा वहाँ तक खराब है, और पूरा गुलाब रोड पूरा खराब है। दो बार नप चुका है, अभी तक जो है बना नहीं। कितने सालों से ये नहीं बना है? ये हमारे ख्याल से 15 साल से इस पे कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ यहाँ जी, नहीं। अच्छा, लेकिन अभी ये राहुल गांधी प्रियंका गांधी दौरा कर करके गए हैं काफी यूपी इलेक्शन जीतने के लिए। आते हैं वो बाहरी बाहर चले जाते हैं, अंदर नहीं आते। तो लोगों से बातचीत भी नहीं करते? कभी नहीं, हमने तो कभी पास से भी नहीं देखा। अच्छा, सोनिया गांधी जी का तो गढ़ माना जाता है? अरे गढ़ है लेकिन कभी हमने देखे नहीं पास से। अच्छा, और जो कि पार्षद हैं यहाँ के हम जी। अब तो राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि उन्हें यूपी के आम नहीं पसंद ना, कुछ नहीं बचा उनका, कुछ नहीं बचा। तो कांग्रेस इस बार आपकी सोनिया गांधी के भी जो है लाले हो जाएंगे, आपकी मुश्किल है, मुश्किल है। अच्छा, इस बार कांग्रेस कहाँ नजर आ रही है आपको यूपी इलेक्शन में? कहीं नहीं आ रही, कहीं नहीं नजर, कहीं नहीं। कौन जीत सकता है? सपा आएगी। सपा काम करती थी? अब तो इस टाइम तो अब देखना पड़ेगा, अभी तक तो फिलहाल ठीक ही था। मौका दे रहे हैं मतलब? नहीं, सपा यहाँ आई नहीं ना अभी तक। सपा कभी नहीं आई, कभी नहीं आई यहाँ पे। बीजेपी के अगर आए तो क्या ख्याल है? ठीक है, वो भी ठीक है, बीजेपी ठीक है, बीजेपी तब भी ठीक है, तब भी ठीक है। हाँ। सपा से ठीक है या नहीं? अभी तक तो हम अपने होश से देख रहे हैं, कांग्रेस ही का यहाँ पे सब कुछ है। हाँ। ना बीजेपी आई ना सपा आई। तो तभी विकास यहाँ नहीं हुआ है कांग्रेस के रहते? कांग्रेस ने अपने जैसा बना दिया गड्ढे वाला, पूरा गड्ढे ही गड्ढा है, पूरा रायबरेली गड्ढा हुआ है, रायबरेली गड्ढा है पूरा। अच्छा, तो ये बताइए अगर बीजेपी आती है तो उम्मीदें हैं काम होगा? जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने यूपी में काम किया है नहीं, यहाँ पे उन्होंने भी कुछ नहीं किया, यहाँ तो है ही नहीं ना। ना, ना।
अगर आते हैं तो उम्मीदें हैं उनसे? अब उम्मीद तो हमें तो सपा से है, सपा से, सपा से उम्मीद है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप कहाँ से हैं अंकल जी? अरे हम गांव में रहते हैं ना। क्या लगता है ये गड्ढे वड्ढे भरने चाहिए? भरने चाहिए, बहुत दिक्कत होती है जो बारिश। बिल्कुल दिक्कत होती है, मन नहीं मंझाए के जाते। कांग्रेस क्यों काम नहीं कर रही है? काम बिल्कुल नहीं कर रही, करा तो हाथ तो बन ना जाता है। अच्छा, लेकिन कांग्रेस दूसरों पार्टी पे इल्जाम तो लगा देती है कि बीजेपी काम नहीं करती, सपा काम नहीं करती। अरे एक दूसरे तो दुनिया का हाथ, तो खुद तो करे फिर काम। अरे खुद करा तो हो ही जात ना। तो आप क्या कहेंगे, जीतना चाहिए इस बार रायबरेली से या नहीं? नहीं, अदिति सिंह नहीं जीतनी चाहिए, नहीं जीतना चाहिए। अदिति सिंह क्यों नहीं काम करी है विधायक होते हुए भी? अरे विधायक रहे तो हल्का फुल्का सुन लेते रहे, तो नजरें नहीं आ रही। नजर नहीं आ रही है, अब हमका मुलाकात नहीं, एक तो कब हुआ तक पहुंची नहीं पाते उनके लगे हम। अच्छा। और कभी आते जाते रोड से निकल गई, बात दूसरी है। अच्छा जी। नमस्ते भले हो क्या कि रोड पर गाड़ी पर से हो ही रहा, बाकी नहीं बस दूर से नमस्ते। हाँ, लोगों के बीच में नहीं आती। लोग को सभासद वगैरह मीटिंग करते तो शायद आ जाए। अच्छा अच्छा। हाँ, तो कभी सुना नहीं है उनको बोलते हुए कि यहाँ विकास होगा, नालियाँ ठीक होगी, सड़क ठीक होगी? सुनने को तो बहुत मिलता है। हाँ। मगर काम तो हुआ है तो जानी कि काम भा। कितने सालों से नहीं हुआ? अरे कम से कम 10 साल से तो हम देख ही रहे हैं। 10 साल से देख रहे हैं आप? हाँ। ऐसी ही सिचुएशन है, यही है। और बच्चे वगैरह सब बीमार पड़ते होंगे इस पानी? अरे तो भी काम है, अस्पताल तो जाते हैं बीमार हुआ तो। बताइए कहाँ है अस्पताल? यहाँ जिला अस्पताल। यहाँ सरकारी अस्पताल है कोई? है। कांग्रेस की तरफ से है वो? अब ये तो हम नहीं बता सकते, बहुत पहले से है वो। अच्छा, आप भी यहीं के हैं? जी जी। क्या नाम है? विनोद जोशी। अच्छा, तो मुझे ये बताइए भैया, ये कार्य कब से नहीं हुए हैं? लगभग ये 15-16-17 साल हो गए मैडम। तब से ऐसे ही है? जी जी। आप लोग ऐसे कैसे रह रहे हैं 15-16 साल से? अब कई बार एप्लीकेशन तो दी गई रोड की, मगर आज तक सुनवाई नहीं हुई इसकी। अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। फिर कांग्रेस को क्यों जितवा रही है रायबरेली की जनता? नहीं तो बस नहीं हो रहा है। तो अब की नहीं जीतेगी ना कांग्रेस? अब नहीं जिताएंगे? अब ना जीतेगी। अच्छा, तो मतलब 15-16 साल परखा आपने? हाँ, 15-16 साल देखा मैंने। कितने साल का है परखा? अब यहाँ की जनता बेवकूफ है ना हमारी रायबरेली की। अच्छा, अब क्या लगता है किसको लाना चाहेंगे? अब देखो बोलते हैं भाजपा सपा, देखो इसमें दो कौन आती है? भाजपा सपा दोनों में से आप चाह रहे हैं कि कोई एक आए? अच्छा, अगर बीजेपी आती है तो लगता है कार्य करेगी बीजेपी? अब कोई बड़ा नेता आएगा तभी कार होगा यहाँ पे, वो बाकी कुछ छोटे नेता रहेगा ना कार नहीं होगा यहाँ पे। बड़ा नेता कौन है आपकी नज़र में? अरे बड़े नेता कांग्रेस के वो उसमें सब भाजपा के सपा के जो भी रहेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। अब जो भी उसमें यहाँ खड़ा हुआ, बाकी छोटे नेता यहाँ विधायक जैसे यहाँ तो कुछ नहीं हो पाएगा यहाँ पे। लेकिन कांग्रेस के लोग तो कहते हैं कि भैया हम लोग ज़्यादा काम करते हैं, बीजेपी कम काम करती है, बीजेपी तो कुछ काम ही नहीं करती है। अरे अब अभी मोदी जी को देख लो अपना, वो जहाँ इलेक्शन मतलब क्या बोलते बनारस में, अब बनारस का देख लीजिए क्या है। हम बात करके आए बनारस के लोगों से, काफी सुधार है वहाँ तो बता रहे हैं। अब यहाँ का देख लीजिए, आज से मतलब इनकी प्रधानमंत्री मतलब पहले थी तो यहाँ पे विकास होना चाहिए, और बाकी इनकी सास भी थी क्या बोलते हैं उनको, सोनिया गांधी? नहीं, सोनिया गांधी की अरे है नहीं इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी उनका भी विकास हुआ, मगर वो खाली फैक्ट्रियाँ खुली कुछ ठीक है, मगर यहाँ पे कांग्रेस कोई आज तक मतलब काम ना हो पाए, बस खाली रेल कोच एक पड़ गया है और एक हॉस्पिटल है बड़ा एम्स। हाँ हाँ। वो है बस, बाकी यहाँ पे कोई वो नहीं है। मतलब एक रायबरेली में हल कोने में चले जाए तो जितनी रोडें आपको बेकार मिलेंगी रायबरेली में, बाकी कहीं नहीं मिलेंगी आपको। अच्छा। यहाँ खुद पब्लिक खुद अपना विकास करती है, बाकी कोई मतलब यहाँ पे कोई सोचो नेता नगरी में, कोई नेता नगरी में विकास नहीं होता है। अच्छा, सोनिया गांधी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन सोनिया गांधी ने कभी आगे नहीं देखा? अरे वो घर से छुट्टी पाए ना, वो खाली बस देखती हैं वो बाहर बाहर, उसके बाद चली जाती हैं, बोलती इतना खाली मीडियम दिखा देते हैं, हाँ इतना पैसा आया, इतना पैसा आया, साला पैसा जाता कहाँ से जाता है? हाँ, ये तो भी तो देखे तो आगे मतलब घर कैसा हो रहा है कैसा नहीं, बस खाली आगे देख के चलेगी पोर्शन। हाँ। उसके पीछे तो देखना चाहिए उनको। आप लोग पैसा लगाते हैं इसमें अपना खुद का? हाँ, खुद का भी कभी कभी पैसा लगाते हैं, नाली वाले को साफ करने के लिए उसको 50 रुपये देते हैं हम। बताइए आप लोग डेली पैसा लगाते हैं? बिल्कुल देते हैं उसको, नाली सफा करने वालों को भी पैसा देते हैं, साफ करो पैसा देंगे उसको हम। सरकारी आदमी आके आप लोगों की नहीं सुनता है यहाँ पे? जी जी बिल्कुल, देखा जाए तो ये सभासद हैं हमारे भैया जी, ये जब्बार हैं, जब्बार सभासद हैं। हाँ। तो इनके मोहल्ले में चले जाओ तो कुछ रौनक मिलेगी आपको। अच्छा, अच्छा। और बाकी एक खुद अपना पैसा वो भी लगाते हैं ये। हाँ। पर्सनली एक ठेकेदारी प्रियंका गांधी कह रही है कि इस बार वो बन सकती है मुख्यमंत्री यूपी की? अरे वो न बनेगी बिल्कुल, ऐसे कल्चर ही नहीं उनके अंदर बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी बयानबाजी करते हैं, अभी संसद में ट्रैक्टर लेके चले गए थे, बोल रहे हैं यूपी के आम अच्छे नहीं लगते हैं। अरे वो बेवकूफियत वाली हरकत किया करते हैं, जानते तो हम कैसे बोला करते हैं कैसे नहीं बोला करते हैं, क्या
क्या बोलना चाहिए क्या ना बोलना चाहिए बस वो बोल देते हैं। अब ट्रैक्टर लेके जाने से और साइकिल ले जाने से कोई मतलब थोड़े ना है। और पेट्रोल का दाम, ये हर दाम तो बढ़ेगा ही भाई, कोविड की वजह से दाम तो बढ़ेगा ही, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़े ना किसी को। और बाकी तुमको हर चीज़ मिल भी तो रहा है, देखा जाए आपकी सरकार में देखा जाए तो बहुत लाभ भी मिला आज तक किसी को। कोई कहते हैं हमको राशन वगैरह मिलाओ, कभी राशन वशन मतलब भी देखा जाए, मतलब गरीब आदमी को मतलब कुछ रहाइश मिले। मतलब पहले ऐसे लोन के लिए अप्लाई करने जाते थे लोग, लोन ही नहीं हो पाती, अब तो लोन के लिए अप्लाई भी करने जाओ तो कुछ कहीं सुनी जा सकती है। योगी सरकार यूपी में कर रही है। हाँ, योगी सरकार कर रही है काम। इस बार आप क्या चाहते हैं, यहाँ पर बीजेपी आनी चाहिए या नहीं? बीजेपी आएगी, मगर यही दिक्कत है कोई बड़ा नेता खड़ा हो तभी उसको। बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा नेता चाह रहे हैं? जी जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, जो यहाँ काम हो पाएगा, बाकी यहाँ पे ऐसे काम नहीं हो पाएगा। ऐसे काम नहीं होगा। जी जी ठीक है, धन्यवाद अंकल जी। रायबरेली से ही हैं जी? क्या नाम है? सज्जन। अच्छा मुझे बताइए, रायबरेली में काम हो रहा है, विकास हो रहा है? नहीं, विकास हो रहा बिल्कुल नहीं। सोनिया गांधी जी का तो गढ़ है। हाँ है गढ़, लेकिन कहीं कोई पूरी सड़कें वगैरह सब खराब है, कहीं कोई, हाँ सब खराब है। कैसे मैनेज करते हैं, बारिश हो जाती होगी, क्या करते हैं? पानी में जाते हैं कीचड़ बोदे में, और क्या करें, गड्ढे में गिर जाते हैं, कहीं गाड़ी वाले गिर जाते हैं, कहीं हम लोग खुद ही गिर जाते हैं, साइकिल वाले, क्या करें, गड्ढे हैं एक से एक बड़े बड़े। हाँ। कहीं कोई काम नहीं होता। विधायक नहीं आती अदिति सिंह? विधायक तो देखते नहीं कहाँ है रायबरेली, पता नहीं कहाँ क्या करती है, कभी दौरा ही नहीं करती है रायबरेली का। कब आई थी लास्ट टाइम? हमने देखा ही नहीं काफी दिन से उनको, काफी टाइम से नहीं देखा हमने, नहीं देखा। अच्छा तो कांग्रेस की तरफ से कोई आता है? कोई नहीं आता, देखने नहीं आता कोई। अच्छा, मोहल्ले में? हाँ मोहल्ले में कोई देखने तो आया, कैसे आदमी जी रहा, कैसे खा रहा। हाँ। कैसे रह रहा है। हाँ। अभी नहीं, अब अखिलेश सिंह रहे, वो बढ़िया आदमी थे। काहे जिता दिए कांग्रेस को? अरे जीते का, अब तो उनका नसीब है अपना भाई, नसीब थोड़ी है, जनता जिताती है। जनता नहीं जिता, जनता खुद ही परेशान 15-16 साल। हाँ 15-16 साल से परेशान, 15-16 साल काहे झेल लिए? अब झेलना पड़ रहा, क्या करें भाई, अब सरकार है उनकी, अब वो जो करेंगे वही होगा। आपको क्या लगता है कैसे जीत गए होंगे यहाँ से रायबरेली से? अरे सब वोट दिए तभी तो जीत गए। हाँ तब अब परेशान हो रहे हो? अब परेशानी है, अब इधर तो बिल्कुल ही कोई सुनवाई नहीं, सुनवाई नहीं है। प्रियंका गांधी राहुल गांधी दौरा करके गए, कहाँ आए यहाँ? वहाँ मठी अमेठी तक आए बस, तो यूपी में दौरा कर रहे हैं वो, जीत अब जीतेंगे यूपी इलेक्शन। हाँ तो रायबरेली आवे, देखे तो रायबरेली की क्या है समस्या, तो रायबरेली की जनता जिताएगी इस बार? देखो मुश्किल लग रहा आपकी, हाँ आपकी तो मुश्किल है, इसलिए कोई देख रेख है नहीं यहाँ, काम नहीं कर रहे हैं, काम वाम कुछ नहीं। अच्छा जी जी, आते हैं बस चले जाते हैं, खुद ही देखिए सारी रोडें, हर तरफ की रोडें खराब हैं, आदमी को आने जाने में परेशानी है, दुकानदार अपनी तरफ का रो रहा है, कहीं कोई काम धाम नहीं है। तो सोनिया गांधी जी ने काहे नहीं किए हैं काम, 15-16 साल से ऐसी पड़ी है सड़कें, हाँ कोई काम, क्या लगता है क्यों नहीं किया? अब पता नहीं भाई उस क्यों नहीं आ, जब आती ही नहीं रायबरेली की तरफ, देखें उधर बहुत आई तो अमेठी तक आई। हाँ अब रायबरेली का दौरा बहुत कम होता है। हाँ पहले परेशान है जनता का, जनता परेशान है काफी। आप भी बोलिए कभी, कहाँ से? नहीं हाँ हम भी यहीं के हैं, रायबरेली से। हाँ 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 हमारा राजकुमार नाम है। अच्छा क्या लगता है आपको, कौन सी सरकार काम करेगी? अरे सरकार क्या कोई भी नहीं काम करती, सरकार बन जाती है तो अपना देखती है, बाकी कुछ नहीं करती, बाकी कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती। अच्छा तो अदिति सिंह कितने बार आई है और कितने बार लोगों की सुनवाई की है उसने? नहीं अदिति सिंह तो हो सकता है कर सकती हैं, लेकिन देखा जाएगा। इतने सालों से क्यों नहीं किया? अरे अब क्या बताएं, अब जो कर जाता है वो तो भूल जाता है सब, जो है चलो करेंगे जो करेंगे। अच्छा, सोनिया गांधी जी का गढ़ है ये कांग्रेस ही, यहाँ पर मानी जाती है कि कांग्रेस जीतेगी हर बार, लेकिन काम तो कहीं नहीं दिख रहा है। अरे काम क्या, हम तो भाई हम लोगों को तो यही कहते हैं कि मतलब जो आए कम से कम काम करे, मतलब जो कि गरीबों को यहाँ कम से कम ये रोटे और कम से कम रोजगार मिले, और क्या चाहिए हम लोगों को, यही चाहिए और क्या चाहिए। सबसे पहले तो स्वच्छता है ना, यहाँ तो स्वच्छता कुछ भी नहीं है, कूड़ा करकट नालियाँ भरी है। अरे नालियाँ क्या, सब कहीं की रोटे खराब है, यहीं की नहीं है, सब अच्छा? कहीं की रोटे खराब है, सभी की रोटे खराब है, मतलब पूरे बरेली में खराब है, पूरी रायबरेली की है। अच्छा हाँ, बनवाना किसकी जिम्मेदारी है, सरकार की? बनवाना सरकार की जिम्मेदारी है ना, मटेरियल खराब लगाया होगा तभी टूट गया बैठा। अरे तो वो क्या, थोड़ा लगा दिया, थोड़ा लगाने के बाद बस अपना फॉर्मेलिटी अदा करके अपना चला गया वो, खराब मटेरियल मतलब लगा के चले गए। भाई खराब मटेरियल नहीं, अब जैसे पतला लगा दिया तो वो खराब होगी, थोड़ा मोटा लगा दिया, थोड़ा कायदेस लगा दिया तो थोड़ा सही होगी, ये बात हो। आंटी सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम है राधा शर्मा। अच्छा
राधा जी, आप रायबरेली में रहती हैं, मुझे ये बताइए कितना काम हुआ है, क्या विकास हो रहा है यहाँ के? जमादार कोई काम नहीं करते। अच्छा। उनसे 10 दफे बात करो तब वो सुनाई करते हैं कि हम काम करेंगे, ये दो मुंह देखी काम करते हैं और कोई काम जमादार नहीं। सभासद मेरे आगे ही हमने शिकायत किया सभासद से, सभासद मेरे आगे बोले जमादार से कि सफाई करो, लेकिन वो मुझे टालता रहा। कल आके सफाई किया, कूड़ा आज भी ये लगा हुआ है। अच्छा, तो सड़कें यहाँ की कैसे? हम देख रहे हैं अभी हम रिक्शा से आए हैं, काफी गड्ढे हैं। इसकी तो अभी बहुत दिन से बनी ही नहीं। अब सभासद को भाई जब उसको ठेका मिलेगा तभी तो वो काम करेगा। अच्छा। अब जो उनको गली का परमिशन मिला वो काम कर रहे हैं, करा रहे हैं। तो कब से है ये सड़कें खराब, कब से गड्ढे? ये तो आज बहुत दिन, बहुत साल, कम से कम हमको लगता है 8-10 साल से ये सड़क। हाँ, सड़क सड़क तो इसी तरह है, कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। आती हैं अदिति सिंह, आती देखती हैं, वो कहती भी हैं, फिर पता नहीं क्या होता है ऊपर, कुछ पास कुछ होते हैं। अदिति सिंह कितने बार आती हैं? तो आती महीने, 2 महीने में, 15 दिन में भी कभी कभी आती हैं। आती हम लोग उनके पास खुद ही जाते हैं और सुनती भी कह के चली जाती हैं। लेकिन यहाँ के अधिकारी क्या करते हैं क्या नहीं, ये हम लोगों को कुछ नहीं मालूम। तो अधिकारी पे सख्त एक्शन नहीं लेती? अब क्या करें, अब इतना हम लोग, अब वो जाने भाई, अब उनकी बात है वो जाने। अब हम लोग तो अपनी समस्या की, भाई सड़क है बिल्कुल गड्ढा ही, आप खुद ही देख लीजिए। अब किससे का इतनी जानकारी हम लोगों को नहीं है कि कहाँ जाना है, कहाँ आना है। और शिकायत भी किसी अधिकारी की करो तो अपनी बुराई भी लो। मेरी शिकायत है जमादार लोग कोई काम जल्दी नहीं करते। ठीक है, वो आपकी शिकायत पहुंच गई है। आपका क्या नाम है? बस जमादार लोग यही नहीं करते, सफाई वगैरह के लिए कहा जाता तो लोग सुनते ही नहीं। और कोई सरकारी आदमी नहीं आता क्या? कोई नहीं, सरकार आदमी कांग्रेस का कोई आता नहीं, जो आता वो खाए बीनने वाले आते हैं। जी साहब। अच्छा, तो जनता क्यों शिकायत नहीं करती है फिर? जी, जनता देखती है तो इसलिए शिकायत नहीं करती है। अच्छा, आपको क्या लगता है फिर इस बार जिताना चाहिए? तो जिताना तो चाहिए हमारे कांग्रेस की, वही है हमारा बहुत मुश्किल लगती जीतना। कांग्रेस का मुश्किल है जीतना, काम नहीं कर रहे हैं मतलब? जी, बताइए तो आप लोग खुद देख रहे हैं गड्ढा सब खुदे हुए हैं। कोई मतलब नहीं आदमी चाहे कुछ भी। सही बात है, सड़क तो बिल्कुल ही खराब है। हाँ, आप देख लीजिए सर, काम तो नहीं कर रहे हैं। काम नहीं कर रहे फिर भी जिताएंगे? अब क्या किया जाए, मजबूरी है। मजबूरी क्यों है ऐसी? अरे मजबूरी यही है कि कोई सुनता नहीं तो उनको जिताना पड़ेगा अपने नेतों को। अच्छा, तो मतलब काम नहीं होगा लेकिन फिर भी जिताएंगे? अब क्या करें, हम हमारे वोट से थोड़े जीत जाएंगे सर। अरे जनता तो आप भी हैं। जनता तो है, हमारे एक वोट से थोड़े जीत जाएंगे। हाँ जी, तो मतलब यहाँ पर काम अच्छा हो रहा है? आप क्या, अच्छा कोई अच्छा नहीं हो रहा, सब गरीब आदमी सब मरा जा रहा है। बताओ जिनके आगे 2-4 रुपया रखे हैं ब्याह शादी के लिए, वो भी अपना टंग बेच के खा जा रहे हैं, कैसे काम चलेगा फला? बताओ, कांग्रेस सरकार को क्या कहना चाहेंगे फिर, इस बार काम करे क्या ना करे? अरे करे क्यों नहीं, हम तो लोग वोट देने के लिए तैयार। हमारे लोग की कांग्रेस यहाँ से फिजा बनी हुई है, यहाँ अमेठी वगैरह संबंधी मतलब पक्ष से तो स्मृति ईरानी जीती है मेरा, सब यहाँ पे जो हो रहा है ये सब गलत हो रहा है। गलत हो रहा है जी। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? संजय। अच्छा, यहीं से, रायबरेली से? हाँ, बगल से। बताइए विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है विकास? क्यों नहीं हो रहा है? ये तो हमारे ख्याल से 15-16 साल हो गए। आप क्या चाह रहे हैं, कांग्रेस यहाँ काम करे या नहीं करे? इस बार रायबरेली से जिताइएगा नहीं जिताइएगा उसको, कांग्रेस को? इस बार तो हम सपा को जिताएंगे। सपा को जिताएंगे? क्या सपा काम करेगी? सपा काम किया है। अच्छा। सपा ने तो देखिए, ये रायबरेली शहर है, इसको शहर कहा जाता है क्योंकि अभी मैंने रिक्शे वाले भैया से भी पूछा था कि भैया ये रायबरेली शहर में आता है, तो उन्होंने बोला हाँ ये शहर में आता है। देख सकते हैं कितना बड़ा ये गड्ढा यहाँ पर है, लोगों को निकलने पड़ने में इतनी दिक्कतें हो रही हैं। आगे अगर आप चाहेंगे तो देखिए नालियाँ हैं, ये नालियाँ काफ़ी भर जाती हैं जिससे कि लोगों को बीमारियाँ हो सकती है, बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, नालियाँ साफ़ नहीं रहती हैं। ये देखिए किस तरीके से ये टूटा हुआ है। आगे अगर आप इस तरफ आएंगे तो पूरी तरफ कचरा ही कचरा बिखरा हुआ है। अगर यहाँ बच्चे भी खेलते होंगे तो उनको भी वो भी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। आगे तक जितना दूर तक आप नज़र मारेंगे वहाँ तक सिर्फ आपको रोड पर गड्ढे ही गड्ढे नज़र आएंगे। तो यहाँ पर हम ये सब देखने आए हैं कि किस तरीके से सोनिया गांधी के गढ़ में कांग्रेस काम कर रही है, तो लोगों से थोड़ा सा और जान लेते हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो गिरधारी लाल है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि रायबरेली में कैसा काम हो रहा है, काहे के विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे विकास कौन, यही तरह चल रहा है, उतने मध्य में नहीं चल रहा विकास, विकास कौन नहीं है? अरे तो बता दीजिए कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहाँ कौन काम हो रहा है, सब ढीले तो चल रहा है, सब ढीले चल रहा है। तो आप लोगों ने कभी अपनी परेशानियां बताई अदिति सिंह जो कि यहाँ की विधायक है कांग्रेस से? हाँ बताते जौन है, जौन को कहीं की को सुनाई करा था है। हाँ। एक्शन नहीं लेती कुछ भी? अरे जो है जौन है, अब हम गरीब आदमी की का कह सके, आम जनता तो बोल सकती है। आप लोग वोट देंगे, अब इस बार यूपी चुनाव आ रहे हैं फिर से,
क्या चाहेंगे, बदलाव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ आना चाहिए, आना चाहिए। तो विकास के लिए किसको वोट देंगे इस बार? जी का कही वही कर दे भाई। जो करेगा वैसा भरेगा। और क्या है, अदिति सिंह तो नहीं कर रही काम जैसा आप बता रहे हैं, तो योगी जी को जिताइएगा। मिलकर जिताएंगे, उन्हीं को जिताएंगे। जो काम करेगा वो जीतेगा, है ना।